तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बीवीए पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। बीवीए प्रोग्रामिंग पे छोटा सा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं आपके साथ। मेरे पास एक फोल्डर पे पूरे साल का मंथ वाइज डेटा पड़ा हुआ है, राइट? मंथ वाइज हमारा डेटा पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि और दूसरी एक सीट है जिसमें हमारे पास इस तरह से मंथ वाइज है। मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जनवरी है, तो जनवरी की फाइल को ओपन करना है। फिर मुझे इसका टोटल निकालना है 7 डबल 1, और अपने यहाँ पे 7 डबल 1 चेंज करना है। इसमें रैंड का फॉर्मूला लगा, हर बार चेंज होता है, ठीक है ना? ये डल गई, फिर मुझे इसको क्लोज कर देना है। फिर मुझे दूसरे को जैन के बाद फैब को ओपन करना है। फिर मुझे इसका टोटल निकालना है 519, और फिर यहाँ पे मैं 519 डाल देना। तो क्या करना समझ में आया? और मुझे एक काम 12वां मंथ के लिए, 12वां महीने के लिए करना है, और मुझे इसको जो है मतलब कि हर दिन करना होता है, या हर महीने करना होता है, हर हफ्ते करना, मतलब एक पीरियड पे करना होता है। और अभी फिलहाल तो चलो 12 फाइल है, लेकिन कल के डेट में 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 100, 200, 500 फाइल भी हो सकती है। अब फिलहाल तो मैंने मंथ वाइज किया है सिंपल होने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोगों का अभी जो है फर्स्ट स्टेज चल रहा है, तो इस पे कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट RR ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क Books डॉट ओपन, और कौन सी कहां से ओपन करनी है, हमें ओपन करनी है इससे। कौन सी फाइल ओपन करनी है, फ्लैश, हमने बोला &% रेंज, और कौन सा है, A2 है ना, A2 जिसपे जिसके सामने डेटा डालना है उसी को करना है ना सर। यहाँ पे मैंने इन्वर्टर कॉमा को क्लोज नहीं किया हुआ है। डॉट वैल्यू, और इसमें तो सिर्फ जनवरी है, लेकिन ओपन करने के लिए उसे एक्सटेंशन भी चाहिए होगा। हमने क्या कर दिया, डॉट XLSX, फाइल ओपन हो गई। और फिर यहां पे मैं लिखता हूं, यहां अब मुझे इसका सम चाहिए, तो मुझे सम कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है, B2 पे डालना है इसका R data। तो मैं यहाँ पे डालूंगा वर्क बुक्स RData.XLSX, XLSM है क्योंकि एक मैक्रोन फाइल है। डॉट शीट्स, पहली सीट में हमने बोला रेंज डॉट इक्वल टू, अब मुझे यहां पे देना है एप्लीकेशन, मुझे सब निकालना है ना, इसलिए वर्कशीट फंक्शन डॉट सब, क्योंकि सम फॉर्मूला जो है डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता। अब डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता कैसे पता चला? देखिए, जो वीवीए को सपोर्ट करते हैं, जो फॉर्मूला आप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए लेन का फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला वो बीवी को सपोर्ट करता है, ऐसे मिड का फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला लेकिन बीवी को भी सपोर्ट करता है। कैसे पता चला? नीचे एक्सप्रेशन आ जाता है, बट सम फॉर्मूला बीवी को सपोर्ट नहीं करता है, तो देखिए एक्सप्रेशन नहीं आया। तो सम मैंने यहां पे दिया रेंज D/B पूरे कॉलम का सम,
आप बोलेंगे सर यहाँ तो मैंने वर्कबुक आर डेटा और पूरा रेंज लिखा, बट यहाँ पे सिर्फ हमने रेंज बी बाई बी कर दिया। क्यों? क्योंकि जो फाइल ओपन होती है वही एक्टिवेट होती है, उसका पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। रेंज में बी बाई बी कर दिया था, जो फाइल ओपन है उसी का उसमें वैल्यू लेके सम कर दिया, और फिर इसने एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज में फॉल्स कर, तो सेव नहीं करना है। मैं एक बार अपने इस माइक्रो को टेस्ट कर लेता हूं फर्स्ट मंथ के लिए। क्लोज रन, आगे वैल्यू सर एक कोड समझ में आया। जी सर बिल्कुल। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, ओपन करने का जो मंथ के नेम के अकॉर्डिंग है तो मंथ हमारा कहाँ पर आ हुआ, यहाँ पर आ हुआ, इसने यहाँ से उठा लिया और इसने उसकी फाइल को ओपन कर लिया। फिर उसके अंदर गया, इस फिर इसके जो जहां जिस महीने का उठाया है उसके सामने वाली बी टू पे गया, उसकी वैल्यू जो है सम के फॉर्मूले के बराबर कर लिया, कौन सा बी कॉलम, और कौन सा बी कॉलम जो फाइल ओपन हुआ है, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब ये तो सिर्फ एक महीने का हुआ ना, राइट? तो इसके दो तरीके हैं। पहला कि आप इसको कॉपी करें और इसको 12 बार कोड लिख दे, ध्यान से देखिएगा सर, और आप बस यहां पे A2 की जगह पे A3 और यहां भी B2 की जगह पे B3 करते चले जाए, ठीक है? या एक और तरीका है, हमने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया आर इक्वल टू आर प्लस वन, आर इक्वल टू यहां पे आर इक्वल टू वन कर देता हूं मैं, पहले तो वन होगा, उसके बाद नीचे आर इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया, और फिर जहां टू चाहिए वहां पे मैंने आर को कंबाइन किया। अब देखिए सर आर क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड आप लेते हैं, उसी तरह से यहां पे आर भी है, वेरिएबल है, ठीक है? तो अब आपको क्या है कि कुछ चेंज नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। आप यहां पे 12 टाइम कॉपी पेस्ट, ए भी करेक्ट नहीं है, मैं वन बाय वन आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। शुरुआत में मेरा बोला डालना पड़ेगा, फिर बोला कि नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माइक्रो रन होगा तो आर इक्वल टू वन होगा, फिर वन पे वन जुड़ेगा तो आर ये हो जाएगा टू। अब यहाँ पे आर और टू, अब इसे वन बाय वन रन करता हूं, देखिएगा अभी आर क्या है, जीरो है, ब्लैंक है। अब जैसे डाला ये वन हो गया, अब वन बाय वन जुड़ा तो क्या हो गया, टू हो गया। अब ए और टू कंबाइन करेगा, एन परसेंट क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, कॉन्कटानेट करता है, तो ये क्या हो गया, ए और टू ए टू हो गया। फिर ए टू को इसने ओपन किया, ओपन किया, फिर इसने बी और यहाँ पे टू है बी टू क्या कर दिया, उस फाइल को ओपन ए कर दिया, डेटा को डाल दिया, बैंड फाइल को क्लोज कर दिया। अब आर पे ऑलरेडी टू है, अब टू प्लस वन हुआ तो क्या हो गया, थ्री हो गया। फिर इसने ए थ्री वाली वेब फाइल को ओपन किया, फिर उसकी डेटा आपको डाला किसमें, बी थ्री पे, और फिर क्लोज कर दिया। अब आर थ्री हो चुका, अब यहां पे आर फोर है, समझ आया सर आपको, जी सर बिल्कुल। ठीक है? तो देखिए इसने 4-5 मंथ का कर दिया सर, लेकिन प्रॉब्लम है कि ए भी डायनेमिक नहीं है। क्यों नहीं डायनेमिक? क्योंकि मान लीजिए 500 फाइल हुआ तो क्या मुझे इसको 500 बार कोड को लिखना पड़ेगा? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे मतलब यही आता है, कॉपी पेस्ट ही आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना सर? तो यहां पे जरूरत पड़ता है, इसको हम लूप के अंदर डाल सकते। हमने लिख दिया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, क्योंकि हमारा 12 है, और फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। अब लूप क्या होता है, लूप
उसको समझने के लिए आप एक अलग मैक्रो में देखें कि लूप क्या होता है। जैसे हमने लिखा MSG बॉक्स, ये क्या करेगा कि सिर्फ वन टाइम रन करेगा। अब मुझे मान लीजिए तीन बार रन करना है तो मुझे इसको कॉपी करके तीन बार पेस्ट कर दीजिए, तीन बार रन करेगा। देखिए ओके हाय, बट इसी को मुझे मान लीजिए अगर पांच बार रन करना है, तीन बार रन करना है, तो मैं इसको लूप में रख दूंगा कि I इक्वल टू चले 1, 2, 4 और फिर नेक्स्ट I। अब मैं मैसेज को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि फोर टाइम रन होगा, हो रहा है ना सर। जो फोर और नेक्स्ट के बीच में जो कोड होता है उसको उतना बार रिपीट करता है जितना ऊपर आपने डालता है। जैसे हमने 1, 2, 4 किया तो इसको 4 टाइम रन कर देगा। 5 करें तो 5, अगर मान लीजिए 2 से 4 हुआ, 2 बार रन करेगा। आई क्या है, आई यहां पे काउंटर है, कितना रन हो चुका है, काउंट रखता है। तो अब क्या होगा कि जब रन होगा तो आर, पहले तो आर 1 था, यहां पे प्लस 1 होगा और इसको रिपोर्ट को रन करते चला जाएगा। आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड में आपके 12 फाइल का डेटा यहां पे सेव हो गया। ठीक है सर। सर आर पहले आर इज इक्वल टू 1 किया हुआ है ना सर, क्योंकि आप ए टू चाहिए था ना, मैं वापिस जाओ ना, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा ना सर, टू थ्री ऐसे ही तो जाएगा सर, वो नीचे की तरफ ही तो चलेगा। टू कहां से, नहीं समझे आप, जब रन होगा तो शुरुआत में है ना हमारा ये, अगर आर इक्वल टू 2 करते हैं तो उस समय फिर इस कोड को मुझे नीचे डालना पड़ेगा। मतलब ये कोडिंग लिखने के बाद हम आर प्लस 1 कर देंगे तो वो काम करेगा फिर। ऐसा क्यों होगा, अगर मैंने यहाँ पे पहले जब मैक्रो रन होगा तो सबसे पहले आर पे 1 स्टोर करेगा, राइट, फिर R पे 1 ऐड करेगा। ये स्टोर तो 1 टाइम ही करेगा, 1 कर दिया तो फिक्स रहेगा 1, लेकिन जो हमने R प्लस 1 किया है वो 12 बार R के अंदर 1 को प्लस करके उसको इंक्रीज करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप ये लूप चला रहे हो और जो वर्कबुक ओपन वाला ये लिख रहे हो फॉर्मूला, इसके बाद नेक्स्ट से पहले आर प्लस 1 कर दें और ऊपर 2 डिफाइन कर दें। हाँ तो उन्हें बताया आपको, हाँ जी, है कि अगर मैं नीचे आर प्लस 1 कर दूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 डिफाइन कर दूं तो वर्क करेगा। हाँ जी हाँ जी, वही मेरा कहने का मतलब था। ठीक है सर, तो हमें पहले A2 मांगना है सर, पहले A2 मांगना है। हाँ, पहले यहाँ पे A2 इसने किया। ओके ओके, उतना झंझट ही नहीं करने का, क्योंकि जो आपका आई है ये भी एक तरह का वेरिएबल है। मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इतना जमेला ही मत रखिए, आप सीधे 2 to 13 कर दें यहाँ पे, ठीक है, और जहां आप आर यूज कर रहे थे वहां पे आई यूज कर दीजिए। समझ गया, क्यों, क्योंकि आई भी एक वेरिएबल है जो कि अपने पास काउंट रखता है। अब इसको मैं 1 by 1 रन करके दिखा रहा हूँ, अब पता चलेगा। अब देखिए आई इक्वल टू 2 है क्योंकि मैं 2 से स्टार्ट किया है, रन करनी है ना, हमने 2 to 13 कर दिया, तो 2 होने से क्या होगा, ए और 2 मिलकर A2 बन गया, A2 वाले फाइल को ओपन कर दिया, फिर B2 पे इसने रिजल्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट क्या करेगा, आई पे वैल्यू जोड़ देगा, I3 हो गया, 3 हो गया।